सो हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म करके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था. सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. इट इज सिमिलर एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ओनली द प्रोसेस और टेक्निक्स वी आर यूजिंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. द फर्स्ट मेथड वॉज टू अप्रोक्सीमेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. So, it is given by, the first method is approximation of first order derivative of any function. Of any function fx, that is f dash x. अगर मुझे इसे अप्रोक्सीमेट करना है न्यूमेरिकली, तो देयर वर थ्री फॉर्मूलाज जो कि मैं टेलर सीरीज थ्योरम से निकाले थे. द फर्स्ट वन वॉज गिवन बाय द अप्रोक्सीमेशन टू एफ डैश एक्स ए पार्ट. द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस एफ डैश एक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, विच इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. The next one was the derivative, first order derivative of f is approximated by this backward difference formula, jo ki hai f of x minus h minus f of x upon h. Aur teesri cheez ki first order derivative ko approximate karna using central order formula, jise central order difference bhi bolte hain, central difference approximation. That is f of x plus h minus f of x minus h upon h square. Clear? So this is the formula of central difference approximation. How do we derive this formula using Taylor series? अगर मैं इस चीज की Taylor series लिखूँ इस function की, so it is given by f of x plus h times f dash x. इसके लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट एफ बिलोंग्स टू सी टू ए बी, जो कि मेरी अजम्पशन रहती है टेलर सीरीज लिखने के लिए. तब मैं ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू दिस थिंग प्लस एच स्क्वायर बाय टू एफ डबल डैश ईटा, वेयर ईटा बिलोंग्स टू एक्स प्लस एच. नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय टू f डबल डैश, इसको ईटा वन बोल देते हैं, f डबल डैश ईटा टू, वेयर ईटा टू बिलोंग्स टू x माइनस एच टू एक्स. क्लियर? सो आप इसको यहां ले लीजिए और h से डिवाइड कर दीजिए, तब आपको f डैश x इस फॉर्मूला से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा और जहां पे एरर आपका ये टर्म आएगी, दिस इज द एरर टर्म. बैकवर्ड डिफरेंस के लिए तो यहां पे मैं एरर लिख देता हूं तीनों के लिए. The error is minus h square by, not minus h square, क्योंकि आप h से डिवाइड करोगे जब इसको तो ये h by 2 हो जाएगा, h by 2 f double dash eta, where eta belongs to x minus h to x. Clear? Next is your backward difference formula. So इसको approximate करोगे जब आप, तब आपका ये हो जाएगा h by 2 notch h square h by 2 f double dash eta, where eta belongs to, sorry, this is x to x plus h, kyunki forward difference formula hai na, x to x plus h. Of backward difference ke liye x minus h to x, इसके लिए एरर ये हो गया, इसके लिए एरर ये हो गया. और सेंट्रल डिफरेंस स्कीम कैसे लाओगे आप? इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल माइनस, और इसके आगे की टर्म क्या हो जाएगी अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको फर्दर इफ एफ बिलोंग्स टू सी फोर ए बी ले लेते हैं, या सी थ्री ए बी भी चलेगा, सी थ्री ए बी, देन दिस विल बी एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स. नेक्स्ट हो जाएगी आपकी प्लस
h cube by 3 factorial. F triple dash eta 1, where eta 1 belongs to x to x plus h. Similarly, यहाँ पे हो जाएगा आपका minus h, यहाँ पे हो जाएगा आपका minus h cube by 3 factorial f triple dash eta 2, जहां पे eta 1 belongs to x to x plus h and eta 2 belongs to x minus h to x. ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सबट्रैक्ट, देन यू विल गेट माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस, सो यू विल गेट इन दोनों को सबट्रैक्ट करके f of x plus h minus f of x minus h is equals to this term will get cancelled out, h of f dash x plus h of f dash x will be 2h, यहाँ पे आ जाएगा 2h instead of h square, 2h f dash x and again this will get cancelled out, और आपकी error term कितनी हो जाएगी, h cube by 3 factorial plus h cube by 3 factorial, that will be 2 h cube by 3 factorial or f double triple dash eta 1 plus f triple dash eta 2. तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका. अब इस पूरी क्वेश्चन को 2h से डिवाइड करने पे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, पूरी क्वेश्चन को 2h से डिवाइड करने पे ये चीज हो जाएगी अपॉन 2h, और यहाँ पे 2h से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे इस पूरे का सम डिवाइड बाय 2, और क्योंकि मैंने f ट्रिपल डैश को कंटिन्यूस फंक्शन माना है तो इसको मैं लिख सकता हूं आपका f डैश x माइनस, ये तो आपका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, इसको यहां सबट्रैक्ट ले गए इस वाली टर्म को, इस पूरी चीज को जो कि मैंने f डैश x का एप्रोक्सीमेशन है, और ये एरर टर्म है बेसिकली, तो मैं f dash x को किससे approximate करूं, इस formula से x plus h minus f of x minus h upon 2h, ये exact ये approximate, तो error कितना बचा आपका minus h square by 3 factorial और f triple dash sum eta, where this eta belongs to x minus h to x plus h. तो आपका error क्या हो गया third case में, minus h square by 3 factorial f triple dash eta. This is the approximation of first order derivative. हमने first order derivative f dash x को approximate किया तीन formula से. This is called forward difference formula. इसमें एरर इतना आएगा माइनस एच बाई टू, याद रखने की जरूरत नहीं, आप हमेशा डिराइव भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी एच स्क्वायर लिख दिया था 2h है, क्योंकि आप जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को सेंट्रल डिफरेंस स्कीम से अप्रोक्सीमेट करते हो तो यहाँ पे एच स्क्वायर आता है, यहाँ पे मैंने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट किया है तो यहाँ 2h आता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज की, जैसे मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा था वो 2h है, तो वो आप डिराइव कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया कि हाउ डू यू डिड्यूस ऑल दीज थ्री फॉर्मूलास, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, दिस इज सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे एरर्स इन तीनों केस के लिए, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो एरर ये, ये तो ये, ये तो ये, क्लियर, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज डिस्कस करी थी, ये तो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड को हम यूज करते हैं कब, जब मुझे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना है किसी फंक्शन का, एफ डैश एक्स निकालना है, क्लियर, अगर मुझे नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तो मैं ये स्कीम यूज कर सकता हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, लेकिन मुझे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड अप्रोच यूज करूंगा, दैट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन,
कि मैं उस फंक्शन को इंटरपोलेटिंग, उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल निकालूंगा। अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, तो पहले मैं इस फंक्शन को खुद किससे अप्रोक्सीमेट करूंगा, पी एन एक्स से, वेयर पी एन एक्स इज द इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल, वेयर पी एन एक्स इज द इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल ऑफ एफ एक्स एट नोड्स एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अप टू एक्स एन। तो मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस फंक्शन को इस पॉलीनोमियल से अप्रोक्सीमेट करूंगा और मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के इस पॉलीनोमियल का डेरिवेटिव से इस चीज को क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट। सो दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटेड बाय पी एन डैश एक्स इंस्टेड ऑफ एफ एक्स, इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग दिस थिंग, क्योंकि कई बार ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इवेल्युएट करना, लेकिन ये कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्योंकि पॉलीनोमियल का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज फिजिबल। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव आप इतने इजीली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस पॉलीनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की बजाय इस पॉलीनोमियल का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि मैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इस पॉलीनोमियल के डेरिवेटिव से अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं। Clear? Where P and X is the interpolating polynomial f(x) of f(x) at x0, x1 and up to xn points. Clear? So इस केस में भी मैंने एरर की बात करी थी। इस केस में एरर कितना होगा आपका? अगर f(x) आपका एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है, so इसमें f'x में और xk और पी एन डैश एक्स के विल बी एफ ऑफ एन प्लस वन जाय अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, प्रोडक्ट में जे विल बी फ्रॉम जीरो टू एन वेयर जे विल नॉट बी इक्वल टू के, एक्स के माइनस एक्स जे। यही मैंने डिराइव किया था लास्ट क्लास में कि ये कैसे आ रहा है। इट वॉज ईजी डेरिवेशन, बहुत ईजी डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं ये कैसे आ रहा है। बट इसको याद रखिए कि जो अगर मैं ये स्कीम यूज करता हूँ किसी भी ऑर्डर, आई मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया, सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर के लिए भी इसको कर सकते हो, तभी हो जाएगा ये फॉर्मूला वेयर xk belongs to x0, x1, xn. Clear? So this is the error term if we use approximation of derivative based on interpolation. The third scheme is based on undetermined coefficients. जैसे हमने इंटीग्रेशन में किया था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, वैसे ही हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स या कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे अप्रोक्सीमेट करेंगे, डी यू एन एफ एक्स, वेयर इस चीज को अप्रोक्सीमेट हम इस फॉर्मूला से करेंगे, वेयर डी यू एन एफ एक्स इज डिफाइंड एज डब्ल्यू नॉट वाई नॉट या एफ एक्स नॉट, डब्ल्यू वन एफ एक्स वन अप टू डब्ल्यू एन एफ एक्स एन। क्लियर? सो मैंने इस चीज को इस एक्सप्रेशन में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स नॉट, आई मीन डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डब्ल्यू एन, ये चीज में डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डब्ल्यू एन को क्या बोलते हैं, वेट्स। अब ये मैं अपनी तरफ से चूज करूंगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन जैसे उसमें करते थे, और मैं क्या इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू एन, और वो कैसे इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा, ट्राई टू कैलकुलेट
weights. Try to calculate the weights W naught, W1, Wn. कैसे करेंगे हम इनको कैलकुलेट सच दैट दैट एफ डैश एक्स या फिर नॉट एफ डैश एक्स आपको कंफ्यूजन ना हो टी डैश एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी एक्स नॉट डब्ल्यू वन टी एक्स वन W2 TX2 plus WN TXN such that T dash X is equal to this for the polynomials this equation the equation this equation is satisfied by the polynomials tx by the polynomial tx equal to 1 x x square up to x ki power n clear आप W नॉट W1, W2, Wn कैसे फाइंड करोगे इस फॉर्मूला से इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन में एक बार Tx को 1 रखोगे एक बार x रखोगे x स्क्वायर रखोगे और आपके पास n प्लस 1 इक्वेशन आ जाएगी इन n प्लस 1 अननोन्स तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जैसे हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में किया था वैसे ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में है वहां पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला था गॉसियन क्वाड्रेचर का यहाँ पे वो नहीं है अब बेसिकली अनडिटरमिंड कोएफिशिएंट्स का तीसरा मेथड है फर्स्ट मेथड इज टू अप्रोक्सीमेट योर फर्स्ट डेरिवेटिव बाय थ्री डिफरेंस फॉर्मूला दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन उसके बाद आप किसी भी ऑर्डर डेरिवेटिव को इंटरपोलेशन की स्कीम से निकाल सकते हो मैंने जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया आप सेकंड ऑर्डर भी निकाल सकते हो थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो आपको बस क्या करना है उस इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उस इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है क्लियर और जो मैंने एरर टर्म डिराइव करी थी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंस बताती है अगर आपको सेकंड ऑर्डर का करना है तो आपको आई मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंस चेक करना है एग्जैक्ट के साथ तो आपको फर्दर करना पड़ेगा वर्कआउट जैसे कि अगर मुझे ये चीज इवैल्यूएट करनी है एफ डबल डैश एक्स माइनस पी एन डबल डैश एक्स सो दिस फॉर्मूला वॉज गिवन बाय एफ एन प्लस वन जाई अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल इनटू समीशन I 0 to n product j 0 to n where j not equal to I x minus xj यही आएगा for example मैं अगर तीन points लूँ तब मेरा first order derivative ये सॉरी मेरा फर्स्ट नहीं ये फर्स्ट था या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने डिराइव किया था तो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में और इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये डिफरेंस आ रहा है अगर मैं इसको किसी xk पे इवैल्यूएट करता हूं तो यहां पे वो प्रोडक्ट वाली टर्म गायब हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि वो कैसे गायब हो रही है फॉर एग्जांपल अगर मैं p 2x कंस्ट्रक्ट करूं तो दैट विल बी x - x0 x - x1 सॉरी दिस इज नॉट पी टू एक्स बट की ये वाला पॉलीनोमियल राइट हैंड साइड में तो आपका बेसिकली एफ डैश एक्स माइनस पी टू डैश एक्स इज गिवन बाय या फिर नॉर्मल फर्स्ट पहले आप ये देखो कि एफ डैश एक्स और पी टू डैश एक्स में क्या डिफरेंस आता है एफ एन आपका टू है तो दिस विल बी थर्ड डेरिवेटिव एट जाय अपॉन जीरो वन टू थ्री फैक्टोरियल और यहाँ पे आता है प्रोडक्ट आई जीरो टू टू या फिर मैं इसको सिंपली लिखूँ तो ये होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अब बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करूँ तो आपको मिल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है
टू डैश एक्स है तो कॉन्स्टेंट है, एफ ट्रिपल डैश एट जाय अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अब इस चीज का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका मतलब क्या बचेगा, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू प्लस, एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आपके पास बचेगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। तो बेसिकली हुआ क्या, यही मैंने n के लिए किया है, आपके पास प्रोडक्ट सम आएगा बेसिकली यहाँ पे इस चीज के साथ, इस वाली टर्म के साथ एक क्या आ रहा है, सम आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम किन चीजों का है, इन चीजों का सम, जहां पे सारे फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट एक, जो कि कौन है ये वाला। फिर दूसरी टर्म कौन सी है, सारे फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट एक टर्म जो कि ये है, सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट एक टर्म कौन सी, ये वाली। तो मैंने भी वही किया है, सम ऑफ व्हाट, सारे प्रोडक्ट ऑफ सारे फैक्टर, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट फैक्टर्स का, सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट वन, क्लियर। तो यहां से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डिफरेंस एफ डबल डैश एक्स माइनस पी टू डबल डैश एक्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये अगेन कॉन्स्टेंट रहेगा थ्री फैक्टोरियल। अब इधर ये चीज हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये एज इट इज रहेगा, तो x माइनस एक्स टू प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये एज इट इज रहेगा, तो x माइनस एक्स वन, क्लियर। प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये एज इट इज रहेगा, तो x माइनस एक्स टू प्लस x माइनस एक्स नॉट, क्लियर। लास्ट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन प्लस x माइनस एक्स नॉट। अब क्या होगा, दो जैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स थे, सम किसका था, दो दो प्रोडक्ट्स का, टोटल शुरू में कितने थे, तीन थे, क्योंकि x नॉट पी टू एक्स है, तो ये पी टू एक्स इस एफ एक्स को कितने पॉइंट्स पे इंटरपोलेट कर रहा है, तीन पॉइंट्स पे, x नॉट x वन x टू, इसलिए जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल पॉलिनोमियल का और एफ एक्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस x नॉट x माइनस x वन x माइनस x टू। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो आपके पास सम हो गया कितने प्रोडक्ट्स का, दो दो प्रोडक्ट्स का। अब इसके बाद एक और फर्दर डेरिवेटिव किया तो आपके पास सम हो गया एक एक प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे कितने का प्रोडक्ट है, आपके सम कितने प्रोडक्ट्स का है, एन माइनस वन। अब किसका हो जाएगा, एन माइनस टू, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा एन माइनस टू का बेसिकली। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका और डेरिवेटिव के लिए, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एरर कैलकुलेट किया था, मेरा बताने का मतलब वही था। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप अप्रोक्सीमेशन करो इंटरपोलेशन की हेल्प से। और थर्ड मेथड क्या है आपका, थर्ड मेथड है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे फॉर्मूला को और जनरलाइज कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स के लिए, f double dash x minus p n double dash x will be f of n plus 1 xi upon n plus 1 factorial, और यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा हर i के लिए बेसिकली, फर्स्ट i के लिए। अब एक एक टर्म और गायब होगी, मतलब x माइनस एक्स नॉट जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट का, तो ये हो जाएगा बेसिकली सम ऑफ i 0 टू n एंड फर्दर एक और सम आएगा जहां पे आपका प्रोडक्ट कितना होगा, j 0 से n तक, सच दैट j नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, फर्दर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे जब आई जीरो के लिए, तब ये वाली टर्म आएगी, ये नहीं आएगी, मतलब आई इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के, सारे फैक्टर्स और वन को भी छोड़ के। तो बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा इसमें, प्लस आई इक्वल जीरो के साथ एक और फैक्टर नहीं आएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका जे विल बी फ्रॉम आई टू एन।
ऐसा कर सकते हो कि j विल नॉट बी इक्वल टू i, एंड क्योंकि x नॉट वाली टर्म तो आएगी नहीं इस प्रोडक्ट में, नेक्स्ट वाले में साथ साथ x नॉट आ रहा है, x नॉट नहीं आएगा, x1 और x2 बचा, इसमें भी ये नहीं आएगा और वो आएगा, x1 x2 x0 x1 x2। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किया था एरर फॉर्मूला, तो सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए भी आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला विच इज गिवन बाय दिस थिंग, एफ डबल डैश एक्स माइनस पी एन डबल डैश एक्स एफ एन प्लस वन जाए अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल समीशन आई जीरो टू एन समीशन के जीरो टू एन के नॉट इक्वल टू आई प्रोडक्ट प्रोडक्ट जे जीरो टू एन। अब मैंने कहा था डबल, जब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो सम कितने प्रोडक्ट्स का होगा, एन प्रोडक्ट्स का, एन माइनस वन का, क्यों, क्योंकि एक्चुअल क्या था, एक्चुअल एफ एक्स माइनस पी एन एक्स इज गिवन बाय एफ एन प्लस वन जाय अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल प्रोडक्ट में एक्स माइनस एक्स जे जे जीरो टू एन। तो इधर कितनी चीज़ों का प्रोडक्ट है, एन चीज़ों, एन प्लस वन एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक, तो एन प्लस वन चीज़ों का फर्स्ट डेरिवेटिव जब करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम कितने प्रोडक्ट्स का होगा, कितनी टर्म्स होंगी समीशन में, सम तो सम में आपकी टर्म्स आ जाएगी जीरो वन एन प्लस वन टर्म्स आएगी, और हर टर्म क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, कितनी चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, वो एक कम चीज़ का, यानी कि एन प्लस वन था अब एन का हो जाएगा, तो इट विल बी गिवन बाय समीशन आई जीरो टू एन प्रोडक्ट जे जीरो टू एन जे नॉट इक्वल टू आई, जे जीरो टू एन है तो एन प्लस वन चॉइसेज हैं, एक और एक चॉइस कम हो गई तो कितनी टर्म्स हो गई, प्रोडक्ट्स हो गया बेसिकली एक्स माइनस एक्स आई विद जे एक्स जे जे रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन जे नॉट इक्वल टू आई। तो सम हो रहा है बेसिकली कितने प्रोडक्ट्स का, एन प्रोडक्ट्स का, पहले कितने का हो रहा था, एन प्लस वन का प्रोडक्ट हो रहा था, अब एन का प्रोडक्ट हो रहा है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आप कर चुके हो इस इक्वेशन में। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो कितने चीजों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एन माइनस वन का, तो उस चीज को मैंने यहां पे इस वे में लिखा है, आप देखोगे क्योंकि जे पे दो रिस्ट्रिक्शन आ गई, जे आई के इक्वल भी नहीं हो सकता, जे के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो जे पे दो रिस्ट्रिक्शन आ गई, जे पे टोटल चॉइसेस कितनी है, एन प्लस वन, दो रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से कितनी प्रोडक्ट्स ले सकता है, ओनली एन माइनस वन। सिमिलरली आप एक और समीशन लगाओगे जब, तो यहाँ पे एक और कोई नया वेरिएबल आ जाएगा एल, तो वो एक और रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देगा, यहाँ पे एक समीशन और आ जाएगा और एक और रिस्ट्रिक्शन वो बढ़ा देगा। तो सिमिलर वे में आप इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको कर दिया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको बता दिया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप इससे किसी भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव में और इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल के डेरिवेटिव में nth ऑर्डर कितना डिफरेंस आएगा आप इवैल्यूएट कर सकते हो आसानी से। तो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, अनडिटरमिंड कोएफिशिएंट्स को कैसे यूज करते हैं हम। जैसे मैंने इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल को तो बताया था, एन इक्वल टू वन लेके, एन इक्वल टू वन लेके अगर मैंने तीन पॉइंट्स कुछ लिए थे स्पेसिफिक टाइप के, तब मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम ही आ रही थी, बैकवर्ड डिफरेंस स्कीम और सेंट्रल डिफरेंस स्कीम आ रही थी। तो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट एफ डबल डैश एक्स विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन एट एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स माइनस एच एक्स वन इक्वल्स टू एक्स एक्स टू इक्वल्स टू एक्स प्लस एच। तो मुझे तीन पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है। इसका मतलब मैं एफ एक्स को किससे अप्रोक्सीमेट करने वाला हूँ, एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाई पी टू एक्स, क्योंकि तीन अगर तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं इस एफ इस ये जो फंक्शन था इसको तीन पॉइंट्स की हेल्प से मैं पी टू एक्स बना सकता हूं। तो एफ एक्स को इससे अप्रोक्सीमेट करूंगा, और दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय पी टू डबल डैश एक्स। सो व्हाट इज पी टू एक्स, पी टू एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट
कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन। तो पी टू डैश एक्स कितना हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल का, ये कांस्टेंट टर्म चली जाएगी, यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन, और ये भी गायब हो जाएगी टर्म, लीनियर है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये मैंने कॉमन ले लिया, और उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पी टू डबल डैश एक्स इज गिवन बाय, ये भी चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। क्लियर, और ये लीनियर टर्म है तो ये भी वन हो जाएगी, लीनियर टर्म है ये भी वन हो जाएगी, तो बेसिकली दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ दिस डिवाइडेड डिफरेंस। दिस इम्प्लाइज पी टू डबल डैश एक्स, पी टू डबल डैश एक्स इज गिवन बाय टू टाइम्स ऑफ दिस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। दिस इम्प्लाइज योर एफ डबल डैश एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटेड बाय टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे टू अप्रोक्सीमेट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग अनडिटरमिंड को, सॉरी मैंने इंटरपोलेशन की हेल्प से बता दिया आपको, मेरे को अनडिटरमिंड कोफिशिएंट का बताना था। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इंटरपोलेशन की हेल्प से करोगे तो आप x नॉट को x माइनस एच, x वन को x और x टू को x प्लस एच कर दोगे, तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया डबल डेरिवेटिव का f का विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। और सेम चीज़ को अगर मैं किसकी हेल्प से करना चाहूँ, अनडिटरमिंड कोफिशिएंट की हेल्प से, तो मैंने एफ डबल डैश एक्स को इस चीज़ से अप्रोक्सीमेट किया। अब सिमिलर चीज़ मैं किससे करने वाला हूँ, अनडिटरमिंड कोफिशिएंट से विद द हेल्प ऑफ अनडिटरमिंड कोफिशिएंट्स। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब मैं किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करूंगा यूजिंग अनडिटरमिंड कोफिशिएंट्स एट दीस पॉइंट्स। इसका मतलब मेरा n कितना हो गया, 2, क्योंकि मैं f डबल डैश x को किससे अप्रोक्सीमेट करने वाला हूँ, डी यू एन एफ, वेयर n डिनोट्स द w नॉट w1, कितना आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो। f डबल डैश इज अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस थिंग, सो दिस विल बी गिवन बाय, दिस विल बी गिवन बाय f double dash x is this thing and this will become equal to w naught f x naught w1 f x1 plus wn f x n, where n is 2 in this case, so I'm replacing it by 2, or therefore this formula will become w naught this thing plus w2 fx2. Clear? Now, आपको ये चीज़ कैसे अप्रोक्सीमेट करनी है, w0, w1 और w2 using what? This equation, t dash x is equals to w0 tx0 w1 tx1 W1 TX1 plus W2 TX2 for all polynomials of degree. So differentiation basically T dash X is this thing. So this will be T dash X. So मुझे अब approximate करने F double dash X with the help of undetermined coefficients at X0 equal to this, X1 equal to this, X2 equal to this. So I will approximate this using this formula. क्योंकि मुझे तीन points given है तो मैंने ये expression लिख दिया, f dash x is approximated by this undetermined coefficient method, which is undetermined, the formula for undetermined coefficients at x0, x1, x2 is given by this thing, where w0, w1 और w2 क्या है, weights, इनको हम कैसे calculate करेंगे, क्योंकि मुझे double derivative निकालना है,
तो वो किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, टी डबल डैश एक्स डब्ल्यू नॉट टी एक्स नॉट डब्ल्यू वन टी एक्स वन डब्ल्यू टू टी एक्स टू। अगर मुझे kth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता, ये चीज फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट करनी है यूजिंग इन जनरल। अगर मैं इंडिटरमिनेट कोफिशिएंट का मेथड लगाता हूं तो मैं इस चीज को किससे अप्रोक्सीमेट करूंगा, डी यू एन, एन आपके ऊपर चॉइस है, एफ एक्स। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू नॉट एफ एक्स नॉट, जो आपने चॉइस कर रखी होगी एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन, डब्ल्यू एन एफ ऑफ एक्स एन। तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट क्या कहता है, अगर आपको kth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है अप्रोक्सीमेट, तो उसका फॉर्मूला होगा ये चीज विच इज डिनोटेड बाय दिस थिंग, एन आपके ऊपर चॉइस है क्या पॉइंट्स ले रहे हो आप, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। जहां पे आप w नॉट w1 wn कैसे इवैल्यूएट करते हो, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको kth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप ये वाली इक्वेशन ले लो, टी के एक्स इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी एक्स नॉट डब्ल्यू वन टी एक्स वन अप टू डब्ल्यू एन टी एक्स एन। तो आपको w नॉट w1 wn इस तरीके से फाइंड करने हैं कि आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, किन किन टी एक्स के लिए, फॉर टी एक्स इक्वल टू वन एक्स एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर एन। तो अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना है, तो मुझे w1 w2 w1 w0 w1 w2 कैसे इवैल्यूएट करने हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, जहां पे tx की वैल्यू क्या होगी, 1 x और x स्क्वायर, क्योंकि n इस केस में कितना है 2 इनके लिए। तो फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन एक बार tx को 1 रखूंगा तब आपका ये 0 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1, और ये कितना हो जाएगा w0 w1 w2, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब tx को जब मैं x रखूंगा तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, अगेन 0। सो दिस विल गिव यू w0 x0 w1 x1 w2 x2, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू, जब मैं tx को x स्क्वायर रखूंगा तब ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में 2x और सेकेंड में 2, नेक्स्ट w नॉट x नॉट स्क्वायर w1 x1 स्क्वायर w2 x2 स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन 3। तो आपको ये चीज सेटिस्फाई करनी है जहां पे x0 x1 x2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो x0 x सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा आपको, w0 इनटू x माइनस h प्लस w1 x प्लस w2 x प्लस h इक्वल टू 0। दिस विल बी w0 x माइनस w0 h प्लस w1 x प्लस w2 x प्लस w2 h इक्वल टू 0। अब आप इसमें 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 और इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, x कॉमन लेने पे आपको मिल गया w0 प्लस w1 प्लस w2 प्लस नेक्स्ट क्या मिला आपको बाकी टर्म में, h कॉमन मिला, h टाइम्स w2 माइनस w0 इक्वल टू 0। सिंस फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है w0 w1 w2 का सम क्या है 0, दिस इंप्लाइज h टाइम्स w2 माइनस w0 इज इक्वल टू 0, और h यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इंप्लाइज w2 शुड बी इक्वल टू w0। क्लियर, तो w2 इक्वल टू w0 आ गया। नेक्स्ट इसमें पुट करोगे तो आपको क्या, थर्ड इक्वेशन में भी आप इसको पुट करोगे तो आपको मिलेगा w0 x माइनस h का स्क्वायर w1 x स्क्वायर w2 x प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज w0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh w1 x स्क्वायर w2 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh इक्वल टू 2 गिव्स यू, x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या क्या आएगा, w0 अगेन w1 प्लस w2, x कॉमन लिया
और एच भी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, डब्ल्यू नॉट माइनस टू डब्ल्यू नॉट, माइनस टू डब्ल्यू नॉट, इधर x की टर्म नहीं है और इधर कितना बचेगा आपके पास अगर आप x और h कॉमन लिया है तो w2 टू टाइम्स w2, और थर्ड टर्म आपकी क्या क्या हो गई, x स्क्वायर के कोफिशंट्स हो गए, x के कोफिशंट्स हो गए, और अब क्या बचा आपके पास h स्क्वायर, सिर्फ h स्क्वायर यहाँ बचा और h स्क्वायर आपका यहाँ बचा, तो h स्क्वायर कॉमन लेने पे आपके पास क्या बचेगा, h स्क्वायर कॉमन लेने पे आपके पास यहाँ पे बचेगा w नॉट और यहाँ पे कितना बचेगा w2 should be equal to 2, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि w नॉट w1 2 जीरो है और मैंने यहाँ से फाइंड किया w नॉट इज इक्वल टू w2, तो ये भी क्या हो गया जीरो, सिंस w नॉट इज इक्वल टू w2 दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये भी कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज h स्क्वायर इज w नॉट प्लस w2 इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज योर w नॉट प्लस w2 is 2 by h square, and since w not equal to w2 you can write it as 2 times w not, 2 times this thing you get w not equals to 1 by h square, w not ki value aa gayi which is again equal to w2, aur w1 kya ho gaya aapka minus 1 by h square, w not ho gaya 1 by h square, W2 भी हो गया 1 by h square, W1 कितना हो जाएगा इन दोनों के सम का नेगेटिव, W1 हो गया आपका सम कितना हो गया 1 by h square plus 1 by h square, 2 by h square और उनका नेगेटिव minus 2 by h square, तो आपके वेट्स निकल आए, this implies ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये kth डेरिवेटिव के लिए मैंने समझाया था using undetermined coefficients और n nodes यूज करते हो तो आपका फाइनल फॉर्मूला इज गिवन बाय, so f double dash x is approximated by du to fx which is given by w naught kitna hai aapka 1 by h square f of x minus h jo ki x naught tha aur into w naught to 1 by h square minus w1 kitna hai aapka 2 by h square 2 by h square f of x और थर्ड कितना है प्लस w2 1 by h square into f of x plus h, so this is f of x minus h minus 2 times f of x plus f of x plus h upon h square, so आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आप किससे अप्रोक्सीमेट करोगे इस स्कीम से अगर आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का मेथड यूज करते हो, सो दिस इज हाउ यू गेट योर वेट्स, तो मैंने क्या बात करी फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग थ्री स्कीम्स, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग इंटरपोलेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स में आप जितने पॉइंट्स यूज करोगे उसके लिए यहाँ पे एन, यहाँ पे यू इसलिए यूज किया क्योंकि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला दे रहे हैं हम, और ये डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन अप टू डब्ल्यू एन तक चलेगा जो भी आपका एन होगा, जहाँ पे आप डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू एन जो भी है वो कैसे निकालोगे, मैंने लिखा था कहाँ पे लिखा था मिटा दिया शायद, तो आपको वो चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस थिंग, अगर आपको kth डेरिवेटिव इवेल्यूएट कर रहे हो तो आप टी के एक्स शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी एक्स नॉट W1 TX1 up to WN TXN कि आपका ये फॉर्मूला एग्जैक्ट होना चाहिए फॉर द पॉलिनोमियल्स TX इक्वल टू 1 X X स्क्वायर अप टू X की पावर N, तो आप उससे आप क्या निकाल सकते हो अपने W0 W1 W2 और WN जो भी आप N चूज कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आप ले रहे हो तो आप कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इस कंडीशन को यूज करके आप वेट्स फाइंड कर सकते हो, तो दिस वाज द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, दैट इज ऑल वी हैव टू डिस्कस इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स सम क्वेश्चंस आज इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, लास्ट ईयर के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं इस टॉपिक से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से,
So the first question, let fx equals to x square plus 2x plus 1 and derivative of f at x equal to 1 is approximated using the central difference scheme. The central difference formula. That is f dash 1 is approximated by f of 1 plus h minus f of 1 minus h upon 2h with h equal to 1 by 2. Then the absolute value of the error in the approximation of f dash 1. F dash 1 is equal to, that is option 1, option B, half, option C, 0, D, it is 1 by 12. This question is asked in CS and NET exam again. So, हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं at x equal to 1. तो इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला. सो ऑब्वियसली अगर 1 पे कर रहे हैं तो बिकॉज सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, अगर हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो इट इज गिवन बाय f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन 2h. क्लियर? और जो कि हम कैसे निकाल रहे हैं अगेन टेलर सीरीज से, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो फटाफट f ऑफ x प्लस h इज f ऑफ x प्लस h टाइम्स f ऑफ f डैश x, h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x, h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x, सो ऑन चलता रहे f ऑफ x माइनस h. क्योंकि सारा खेल यहाँ पे एरर का है, एरर आपको तभी निकालनी आ सकती है अगर आप भूल जाते हो जल्दी जल्दी फॉर्मूला को. अगर टेलर सीरीज याद है तो आप फटाफट रिकॉल कर सकते हो. तो माइनस एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, सो ऑन. दोनों का कर दो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? किसी को याद नहीं रहता है किसकी एरर टर्म क्या है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन 2h, ये तो कट जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से 2h, तो कट जाएगा वो भी. दिस इज इक्वल टू f डैश x, और ये क्या हो जाएगा, दोनों अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब ये माइनस, दिस विल बी माइनस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम ऑन डिवाइडिंग 2h से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल h square upon 3 factorial f triple dash x. एक तो 2 हो जाएगा और एक 2 से divide भी किया तो cancel out हो जाएगा, तो h square by 3 factorial f triple dash x या जो भी is i. So this is your error term because this will be h cube by 3 factorial f triple dash some eta 1 plus h cube by 3 factorial f triple dash eta 2, दोनों का सम करेंगे, this will become 2, दोनों add नहीं होंगे क्योंकि दोनों like terms नहीं है, so this will not become 2, this will be this. और जब आप इसको 2h से divide करोगे तो एक h से तो h square बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2h से divide किया, इस चीज में भी 2h आ रहा था, वो 1 हो जाएगा coefficient.
यहाँ पे जब 2h से डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या चीज आएगी, ऊपर तो कितना है आपका एच क्यूब और नीचे 2h से डिवाइड कर रहे हो, 3 फैक्टोरियल आ रहा है और यहाँ पे कितना है f ट्रिपल डैश ईटा 1 प्लस f ट्रिपल डैश ईटा 2, इसको ईटा 1 मान लो ईटा 2 मान लो टेलर सीरीज थ्योरम के लिए, क्योंकि f बिलोंग्स टू C3AB, ट्राइस कंटिन्यूस डिफरेंशियबल फंक्शन है, इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका ये एच स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मिला के, तो आपका एरर टर्म क्या आ रही है यहां से, एरर टर्म इज गिवन बाय ये आपका यहां पे आ जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर बाय 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 कहां पे काम आएगा, मीन वैल्यू थ्योरम में इस चीज को एफ डबल डैश ईटा करने में, एफ ट्रिपल डैश सम ईटा। तो दिस इज योर एरर टर्म, तो इसने वही पूछा है द एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इज कैलकुलेटेड बाय दिस, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है तो इसका मॉडल्स लेना है आपको, सो एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको इसका मॉडल्स लेना है, सो दिस इज मॉड ऑफ एच स्क्वायर बाय 6 एफ डबल डैश ट्रिपल डैश ईटा, वेयर ईटा बिलोंग्स टू इन जनरल क्या होता है x माइनस एच से x प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईटा 1 माइनस एच से 1 प्लस एच, क्योंकि 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। अब आपका एच कितना है हाफ हाफ और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो दिस विल बिकम 1/24 और एफ ट्रिपल डैश ईटा कितना हो जाएगा इस फंक्शन का ट्रिपल डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स विल बी 2x प्लस 2, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो 2 और थर्ड डेरिवेटिव तो 0 इनटू 0, सो दिस विल बी एब्सोल्यूट एरर विल बी 0, सो द आंसर इज सी। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा था आपका डेरिवेशन पे, अगर आपको ये एरर टर्म याद है जो कि मैं हर एनालिसिस में बताता हूँ कि एरर एनालिसिस में न्यूमेरिकल बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस हम करी किसके ले रहे हैं, हर चीज़ को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटेड चीज़ में और एग्जैक्ट चीज़ में डिफरेंस होगा, उसी को हम एरर टर्म बोलते हैं। तो जो भी स्कीम हम लगा रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन से रूट निकालने में, एक फंक्शन को इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल से अप्रोक्सीमेट करने पे, तो हम इन सब चीज़ों में अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ का अप्रोक्सीमेशन किया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट 1, तो एरर टर्म वॉज गिवन बाय माइनस एच स्क्वायर बाय 6 एफ ट्रिपल डैश ईटा, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताया फटाफट कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग टेलर सीरीज, कोई भूल जाए तो एफ एक्स प्लस एच विल बी दिस अप टू क्यूबिक टर्म, यहाँ पे भी क्यूबिक टर्म, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट दिस फॉर्मूला जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, और एफ डैश एक्स एक तरफ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन बाय दिस टर्म which is h square minus h square by 6 f triple dash eta, और इससे absolute error, absolute क्या मतलब modulus, absolute positive में चाहिए उसको, so h was 1/2 on putting this thing, it will not matter, ये matter ही नहीं करेगा क्योंकि f triple dash कितना हो जाएगा 0, तो absolute error term will be 0 in this question, so this was a very simple easy question, so next question that was asked in CSL NET exam, जो भी था मुझे पता नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है CSL NET एग्जाम में, कौन से दिसंबर में जून में कौन से ईयर में उसका मैं नहीं बता रहा आपको, मुझे पता नहीं एक्चुअली, सो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइन द डिफरेंस कोशेंट एज, this is defined as this, this means the first order approximation to first order derivative is given using forward difference scheme, कोई डिफरेंस क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर नंबर ऑफ द फॉर्म एच कैप वेयर एच कैप इज डिफाइंड एज एच इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन फॉर अ फिक्स्ड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वेयर एप्सिलॉन इज अ फिक्स्ड नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट थ्री थिंग्स e1h e2h एंड e0h, e1h कैसे डिफाइन कर रहा है ये f'x माइनस दिस डिफरेंस क्वोशेंट, दिस डिफरेंस क्वोशेंट माइनस दिस डिफरेंस क्वोशेंट एज एट एच कैप, e0h इज डिफाइंड एज e1h माइनस e2h, clear? If f of x plus h is same as f of x plus h cap, then which of the option is correct? e1h tends to 0, h tends to 0, e2h tends to 0 as h tends to 0, e2h tends to epsilon upon 1 plus epsilon f dash x as h tends to 0, or e0h tends to 0.
as h tends to 0. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, चेक करते हैं। तो बेसिकली इवन एच क्या है, पहले इवन एच पे फोकस करते हैं। सो इवन एच इज एफ डैश एक्स माइनस दिस थिंग, सो एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और यूजिंग टेलर सीरीज थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय टू एफ डबल डैश ईटा। अगर एफ बिलोंग्स टू सी टू ए बी है तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस एच बाय टू एफ डबल डैश ईटा। यूजिंग टेलर सीरीज थ्योरम मैंने ये चीज लिखी, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर टर्म निकालने के लिए किसी को याद नहीं है, तो उससे मुझे क्या मिला कि ये चीज मिली, वही दोबारा एफ डैश एक्स माइनस अप्रोक्सीमेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस थिंग, ये एरर हो गया। तो इवन एच आपका एरर डिनोट कर रहा है, और एज एच टेंड्स टू जीरो ये तो फिक्स कुछ कॉन्स्टेंट होगा, एज एच टेंड्स टू जीरो दिस क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ई टू एच इज डिफाइंड एज डिफरेंस कोशेंट एट एच एंड माइनस डिफरेंस कोशेंट एट एच कैप। तो ई टू एच देखते हैं, e to h is difference quotient f at h, so this is f of x plus h minus f of x upon h minus, next kya aayega difference quotient at h cap, so this quantity minus quantity f of x, jab aap h cap pe kar rahe ho to yahan pe aa jayega h cap minus f of x अपॉन नीचे एच कैप, क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा एच कैप एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच इंटू एच कैप माइनस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर। एच इंटू एच कैप, वेयर एच कैप को मैं रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि एच कैप की वैल्यू मुझे पता है, विच इज एच अपॉन एच इंटू वन प्लस एप्सिलॉन, सो दिस विल बी, या फिर मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूं, एलसीएम लेने से पहले ही एच कैप है, एच कैप को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे इरेज करके, वन प्लस एच इंटू वन प्लस एप्सिलॉन, क्लियर। और यहां पे एच कैप को चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, क्लियर। सो एलसीएम विल बी नाउ वन प्लस एप्सिलॉन, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इंटू वन प्लस एप्सिलॉन, क्लियर। नाउ वन प्लस एप्सिलॉन जब इधर मल्टीप्लाई होगा एक बार इसके साथ, या फिर इस पूरी टर्म को एक बार वन के साथ कर दे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये माइनस एप्सिलॉन टाइम्स एफ एक्स, ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन पूरे में एच अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन, क्लियर। ये है एच अपॉन वन प्लस h into 1 plus epsilon. अब f of x plus h is f of x equal to, so this term get cancelled out with this term.
minus fx and plus fx get cancelled out. So you have what? This gives you e to h. Iske equal aa gaya aapka epsilon times f of x plus h. Epsilon times f of x plus h. Epsilon common le liya yahan se. Minus f of x. Either h or either 1 plus epsilon. So as h tends to 0. Jab h tends to 0 karega. H 0 ko tend करेगा तब ये वाली quantity किसको approach करेगी? F dash x को approach करेगी क्योंकि error term है. Error जब 0 को जाएगी तो approximate actual की तरफ जाएगी. तो जब H tends to 0, this implies as H tends to 0, this implies F of x plus h minus F of x upon h किसको tend करेगा? F dash x को. So, this implies e to h, किसको tend करेगा? Epsilon upon 1 plus epsilon, ये तो fix रहेगा, constant है, f dash x. So, कौन सा option सही हुआ? e to h tends to 0, बिल्कुल गलत है, e to h tends to epsilon upon 1 plus epsilon, f dash x सही है. अब e not h की बात करें, अगर e not h की बात करें, तो e not h किसको tend करेगा? h tends to 0, तो e not h आपका क्या ये है? जब h 0 को tend करेगा तो e1 h किसको tend करेगा? 0 को. तो ये quantity 0 की तरफ जा रही है. अब ये quantity इसकी तरफ जा रही है. तो overall 0 की तरफ नहीं जा रही है. तो ये option भी गलत. तो यहाँ पे आपका A और C option सही है. काफी easy question था, बस इसको easy manipulate करना था, term को solve करके और इन चीजों का use करना था. Clear? So this was the question asked in CSR NEET exam.